इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का कुछ दिन थमता तो नजर आया, पर फिर से अचानक 500 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए जाने से क्या कोरोना जल्द खत्म होने वाला है या नहीं, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। कल और आज दो दिन में 700 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए। वैसे तो बेलगाम शहर में कोविड सेंटर का कयाम अमल में आया है, जिससे आवाम भी इत्मीनान की सांस ले रही है। मदीना फाउंडेशन की जानिब से कोविड सेंटर का कयाम हाल ही में अमल में आया, जिसमें DC बेलगाम MG हिरेमा, DHO शशिकांत मुनियार, साबिक MLA बेलगाम जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब, सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ साहब और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। अब अस्पतालों के ताले भी खुल गए हैं, जाहिर है इलाज आसानी से हो रहा है तो मरीज का भी जल्द सेहतमंद होना मुमकिन होता है। अभी भी निजी अस्पतालों से बेहिसाब बिल हासिल किए जा रहे हैं। DHO शशिकांत मुनियाल ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि 3 निजी अस्पतालों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने मरीजों से ज्यादा पैसे लिए हैं, जिसकी फरियाद भी दर्ज की गई है। पॉजिटिव मरीज भी बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाबंदियां भी हुकूमत की जानिब से हटाई जा रही है। अब बेलगाम गोवा महाराष्ट्र की सरहदें भी खुल गई है। चिक्कोड़ी गांव में दिन में 50 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं तो खानापुर में भी 18 पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें MLA अंजलि निंबाकर भी शामिल है। निपानी में 15 पॉजिटिव मरीज पाए गए। कुल मिलाकर पूरे मुल्क में रियासती सरहदों को खोल दिया गया है और अनलॉक 4 के तहत सभी बाजारों मॉल को भी खोल दिया गया। अब सिर्फ इंतजार है तो स्कूलों के शुरू होने का। वालिदैन के साथ बच्चे भी स्कूलों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। गणेश का त्योहार बड़ी सादगी के साथ अख्तिताम पजीर तो हुआ। कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन भी काफी जारी की हुई थी, पर क्या आवाम ने इस पर अमल किया, यह भी एक सवाल है। आवाम में बिना मास्क के घूमना, विसर्जन में तादाद से ज्यादा लोग शरीक होना, ना सिर्फ शरीक होना बल्कि DJ पर नाचना गाना भी जारी था और इस तरह की तस्वीरें आम नजर आ रही थी। कुछ जगहों पर जोरदार म्यूजिक का भी नजारा देखा जा रहा था। हुकूमत की गाइडलाइन आवाम के भले के लिए होती है, पर विसर्जन में गाइडलाइन पर अमल करते अक्सर लोगों को नहीं देखा गया। वैसे तो बेलगाम गणेश विसर्जन का जुलूस 2-2 दिन तक जारी रहता था, पर इस साल जल्द खत्म किया गया। पहले के मुकाबले में काफी भीड़ कम थी, पर कोरोना के मद्देनजर किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम जरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या कोरोना है भी या नहीं। इसके बावजूद भी पुलिस ने जल्द गणेश मूर्तियों को आगे बढ़ाया और जल्द ही जुलूस को खत्म किया। बेलगाम शहर में खामोशी नजर आ रही है, पर यह खामोशी वक्ती नजर आ रही है। संगोली रायन्ना और शिवाजी महाराज के पुतले का तनाजा कब शिद्दत इख्तियार करता है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार फिर कन्नड़ रक्षण वेदिके ने शिवाजी के पुतले पर ही एतराज करते हुए कहा कि जब इस चौक में संगोली रायन्ना का पुतला मौजूद है तो इसे शिवाजी चौक क्यों कहा जाए। वैसे भी बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा है और कौन सी शिवसेना और कहां की महाराष्ट्र एकीकरण समिति, ऐसा भी नारायण गौड़ा ने कहा। कन्नड़ रक्षण वेदिके के नारायण गौड़ा ने आगे कहा कि मुझ पर कई सारे मुकदमे हैं और कन्नड़ की मोहब्बत में और भी मुकदमे लेने के लिए मैं तैयार हूं, मुकदमों से डरने वाले हम नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो दूसरी तरफ मराठियों का कहना है कि नारायण गौड़ा जो चाहे बोल रहा है तो इसके पीछे कौन है। मराठियों पर पिछले 70 सालों से जुल्म किया जा रहा है और आज भी जुल्म की तारीख रकम की जा रही है। कन्नड़ तंजीमों के पीछे सियासी लीडरों की शय है, ऐसा भी इनका कहना है। जो बयानबाजी नारायण गौड़ा ने की है इससे सुलह तो हो नहीं सकती पर नुकसान हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। कोरोना का बढ़ता कहर, जिसमें आवाम में डर खौफ का माहौल पूरे मुल्क में देखा गया, जिससे लॉकडाउन और सरहदों को बंद करना, गांव शहर को तक बंद किया गया, जिसका असर मुख्तलिफ मरीजों पर देखा गया। मरीज दूसरे रियासतों में जा नहीं सकते, जिसकी वजह से काफी मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ी। लिहाजा थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल यह उन बीमारियों का नाम है जो उमूमन बच्चों में पाए जाते हैं और वालिदैन के जरिए बच्चों में आ जाते हैं। कोरोना के दौर में दिगर बीमारियों की तरफ तवज्जो भी नहीं दी जा रही थी। खून की कमी होने से बच्चों का इलाज भी मुमकिन नहीं था, लिहाजा यह तमाम बच्चे इलाज से महरूम हो रहे थे। इसी मुश्किल के मद्देनजर कोल्हापुर समवेदना मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से बेलगाम जिले के उन बच्चों के इलाज के लिए
थैलेसेमिया की दवाइयां मुहैया कराई गई। वाज रहे के इसके सदर जनाब बरकत अहमद पन्नाड़कर ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि उगार खुर्द में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। बरकत पन्नाड़कर ने बीमारी की तमाम तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इस बीमारी के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए भी हमने कहा, ब्लड डोनेशन के बाद जो भी जरूरतमंद है अथनी ब्लड बैंक से राबता करने का ऐलान भी किया। इस वक्त कई सारे जिम्मेदारान मौजूद रहे समवेदना फाउंडेशन के इस इकदाम को आवाम ने काफी सराहा जा रहा है। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर गोकाक में भी सतीश जारकीहोली फाउंडेशन की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को पहुंचाने का काम अंजाम दिया है, जिससे मरीजों को काफी मदद हो रही है। फाउंडेशन के जिम्मेदार जनाब रियाज चौगले ने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि गोकाक और अतराफ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले शहर में बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन के ना मिलने से कई मरीजों की मौत तक वाकई हुई। लिहाजा सतीश जारकीहोली फाउंडेशन ने इकदाम किया और मरीजों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम अंजाम दिया। सतीश जारकीहोली फाउंडेशन आगे भी मेडिकल मैदान में इसी तरह से काम करते रहेगा, ऐसा भी रियाज चौगले ने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।